बरमल रिम अलहमदल्ला जो है मस्जिद मनवरा जाम फ़जीलतुल्क्रन में ये मुश्तरक़ुरबानी का, का इंतज़ाम जो है गुज्त सैंतीस साल से जो है अंजाम दिया जाता आ रहा है चंद सालों से जो है हम लोग जो है वह मुशतरक़ा क़ुरबानी बड़े जानवर का जो है तकरीबन तीन चार साल पहले जो है उसको आर्जी तौर पर बंद कर दिए हैं हम लोग और हमारे साथ बड़े बड़े मदारिस के लोग भी जो है इसको मनसूख कर दिए हैं चंद मुद्दतों के लिए कुछ हालात की बिना पर जो है इसको बंद कर दिया अभी हमारे पास जो है छोटे जानवर बकरा भेड़ बकरा वगैरह का जो है इंतज़ाम किया गया है बड़े जानवरों की कुर्बानी का जो सिलसिला था वो क्यों किया देखिए अभी फिर परस्त ताक़तें जो है मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो है जहाँ हर तरह का जुल्म हो रहा है इस तिजारत में भी जो है जब तक जो है वो बाज कारोबार जो है बाज़ारों में माल बिकता नहीं है उस वक्त तक जो है मुसलमानों को कुछ कहा नहीं जाता जब जो है मुसलमान लेकर उसको गाड़ी में चढ़ा देते हैं तब उनको मालूम होता है कि वही लोग जो फरोख्त करते हैं तिजारत करते हैं मुसलमानों से यही लोग जो है आ, माल निकलने के बाद जो है मेरी अम्मा जा रही है बाबा जा रहा है खाला जा रही है चिच्चा जा रहा है इस तरह से ख़ानदानी अल्बाब रिश्ता जोड़ लेते हैं अकीदत जोड़ लेते हैं उनको जोड़ने के बाद रास्ते में जो है यही लोगों के जरिए से जो है मुसलमानों को रास्ते में माल पकड़ना मारना तोड़ना और केस करना साथ में पुलिस भी उनके साथ गौरक्षक समिति के नाम से कुछ कमेटियां बनाकर मुसलमानों को लूटती हैं इसमें वो लोग भी शामिल हैं लोग भी उसमें शामिल हैं हम चाहते हैं कि ये जुल्म को बंद करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि सारे मुल्क के अंदर हम लोग जो है बड़े जानवर की तजारत मुसलमान बंद कर दें और हम चाह रहे हैं कि इसके बाद जो है कुर्बानी बंद कर दें जी कुर्बानी हो या आम हो हम चाहते हैं कि तो बड़ा जानवर ही ना काटे अल्लाह ताला दूसरे जराए रखा है कुर्बानी के लिए हो या तिजारत के लिए हो बहुत सारे ज़राए हैं उन जराए से जो है हम लोग जो है कुर्बानी वगैरह दे सकते हैं इंशाल्लाह मतलब ना आप जो है आप और दीगर उमा इक्राम जो है मतलूबा गैर मतलूबा इसके को जो है लेकर जो ले, है सख्ती से इसकी रोकने की एक तहरीक चलाई थी जी इससे क्या फायदा है मौलाना यही देखिए हम लोग गुज्ता चार साल पहले पहले तक जो है कुर्बानी वगैरह जो मदार यहाँ से हम बंगाल जा रहे हैं बिहार जा रहे हैं यूपी जा रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे नाम लेकर जो है एक कुर्बानी माफिया समझिए कुरबानियाँ कुर्बानी मा, माफिया जो है पूरे कर्नाटक को जो है अपने असर में लेकर काम करना चाहता है इनको जो है यहीं से नहीं बाहर से दुबई से कोई से सऊदी अरब से बाहर ममालिक से भी वो लोग जो यहाँ से जाकर काम करते हैं वो लोग जो है भाई हम कुर्बानी नहीं दे सकते अपने माँ के नाम से बाप के नाम से रिश्तेदारों के नाम से जो कुर्बानी देते हैं उनको पैसे भेज देते हैं अब यहाँ जो है वहाँ से भी जो रिपोर्टें आ रही बंगाल बिहार यूपी वगैरह के बहुत सारे ओलमा मुखली वहाँ के भी उन्होंने कहा कि यहाँ जो कुर्बानी होती है जो नाम दिया जा रहा है गरीबों का यहाँ के लोगों का ये बिल्कुल बकवास है यहाँ ऐसा कोई ज़्यादा इंतज़ाम नहीं हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ इंतज़ाम कर देते हैं वो भी उसमें ऐसे जानवर लिया जाता है जहाँ सिर्फ़ चमड़ा और बोटी मिलती है गोश्त नहीं रहता है दस हज़ार ग्यारह हज़ार बारह हज़ार में जो जानवर ख़रीदे जाते हैं वो सिर्फ़ जो है क्या बोलते हैं चमड़ा और बोटी रहते हैं गोश्त गिश्त नहीं रहता है इनको चमड़ा वो हड्डी तो रहती है पूरा गोश्त जाने के बाद हड्डी बच जाती है तो इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं हम लोग को उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं क़ुरबानी माफिया को भी समझाने की भाई उम्मत का ख्याल करें अब हम लोगों को पैदा नहीं चाहिए क्या बड़े बड़े मदारिस को पैदा नहीं चाहिए क्या तो बड़े मदारिस अगर रोक रहे हैं तो किस बुनियाद पर रोक रहे हैं इसको सोचना चाहिए अवाम को भी सोचना चाहिए या क़ुरबानी माफियामा लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्यों बड़े मदारिस के लोगों ने इसको रोक रखा है हाँ अक्सर धोखा है, है। अल्लाह एक कहीं होता होगा लेकिन अक्सर जो है धोखा है इसकी रिपोर्टें हमें मिल रही हैं जी पहचान भी हो रही है बातचीत भी हो रही है किराम ने बात भी की हैं अभी एक चार पाँच दिन पहले भी एक मीटिंग थी उन लोगों को बुलाकर समझाया गया, भई अगर आपको पैसा लूटना ही है आपको जो है ये कारोबार जो है करना ही है तो आप जो है फ़ोन के ज़रिए से कीजिए मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हैं आप इश्तारबाजी मत कीजिए तो उसका यह नतीजा निकला कि वो और इश्तहार बना जो है जा बजा थोपना शुरू कर दिए अभी दो दिन से तो ऐसे लोगों से बचकर जो है हमें कुर्बानी भी मुकम्मल करना चाहिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है यह हमारे लिए ज़रूरी है और जो है कुर्बानी सब पर वाजिब नहीं जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है वही लोग जो है कुर्बानी दे सकते हैं अब जो है अब हम कुर्बानी देना है क्या करेंगे उसको डेढ़ हज़ार रुपये किस पर वाजिब है और इसके क्या आदा, क्या आदाब है बसमिल नमदून सल रसोल कर करीम अम्मा बारिशरजीम्सिमिली वला विहाद्लिम जैसा कि हम सब मालूम है जानते हैं अल्लाह तबारक व तमी हज़रत इब्राहिम आल सलात सलाम की सुन्नत अदा करने का क़्यामत तक के आने वाले ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने मुकर फ़रमा दिया हर साल कुर्बानी करना वाजिब है उन लोगों के लिए जिनके इस्तात होती है जिनके पास इतना पैसा होता है कि साल भर उनके अखराज के अलावा साढ़े सात तोला सोना साढ़े बावन तोले चांदी या इसके बराबर का पैसा वगैरह उनके पास है तो उन पर वाजिब हो जाती है लिहाजा मुसलमान का होना आकिल का होना बाल का होना आज़ाद होना मुक़ीम का होना इन तमाम के ऊपर मालिक निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है जिनके ऊपर ज़क़़़ फ़र्ज़ है इनके ऊपर भी वाजिब हो जाती है हाँ बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं इतना माल नहीं होता साढ़े सात तोले सोना साढ़े बावन तोले चांदी, दोनों भी मक़दार में बराबर नहीं आते या दोनों को मिलाने से साढ़े बावन तोला चाँदी बन जाती है इनके ऊपर भी ज़रूरी बन जाता है कि वो भी क़ुरबानी करें लिहाजा हालत हाजिर को देख कर अलहमदिल्ला जैसा कि हमारे मुताराजी साहब खिलाज अहमद बरकतुम ने फरमाया हालात के मद्द नज़र रखते हुए ताकि कौम को परेशानी ना हो कौम मुसीबतों में ना फंसे लिहाजा बड़े को रद्द करके चंद सालों के लिए हुकूमत का भी कानून सामने रख कर जो है फैसला किया है बड़े जानवर को करने के बजाय छोटे जानवर जैसे दुम्बा वगैरह होता है जिसे हमारे पास यहाँ देख रहे हैं तकरीबन पैंतीस साल से ज़ायद का अरसा हो गया तो इन्होंने खिदमत करते आ रहे हैं अलहमदिल्ला ये हज़रत इब्राहिम सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए हम करना है कि नुर्बानी नहीं करना है जैसे कि अभी फरमा रहे थे कि़ुरबानी नहीं करना है कुरबानी करना है तो बड़े जानवर की कुरबानी रद्द कर दिया गया है ताकि उन लोगों को भी कह रहे हैं कि रद्द कर दें ताकि दो चार साल चंद माहौल बनने के बाद हालत बनने तक जो है छोटे की कुरबानी करें हुकूमत सी छोटे की कुरबानी करने मना नहीं है तो हम लोग खवा मखा किसी और जगह में फंस कर जो है परेशानी में फंस कर मुसीबतें उठाना अच्छा नहीं लगते लिजा हमें ये चाहिए किर्बानी हमारा अमल है जो इस तारत रखते हैं उनसे गुजारिश है कि आसानी के साथ इतमान के साथ दुम्बा वगैरह की कुरबानी कर दे ताकि हमारीबानी भी हो जाएगी अल्लाह ताली ने फरमाया हमारे बड़े की कर्बानी छोटे की कुरबानी को अल्लाह तौला नहीं देखते बल्कि अल्लाह ताली के पास ना ख़ून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है बल्कि इंसान का अखलास पहुँचता है बस हमारी नीयत अल्लाह के लिए हो जितना ज़्यादा अखलास होगा इतनी हमारी कुरबानी कबूल होगी लिहाजा हमें चाहिए अखलास के साथ अल्लाह कुर्बानी करें अल्लाह ताला के बारगा में हमारा अमल कबिल कबूल होगा